फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरू श्लोक ब्लॉग में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज मैंने पहन रखा है साड़ी। क्यों पहना है, किस खुशी में पहना है, इसकी कोई खुशी नहीं है, बस मन किया तो पहन लिया। क्योंकि मुझे साड़ी पहने घर में, मतलब डेली ऐसे यूज में, डेली वर्क के लिए, काम के लिए साड़ी पहनने मुझे कम से कम 2-3 साल हो गए होंगे। तो आज मन किया तो फिर मैंने पहन लिया। वैसे भी घर में भी, मतलब वैसे भी बाहर भी जाने के लिए कभी जल्दी साड़ी नहीं पहन पाते हैं। साल में 2-3 बार मुश्किल से पहन लिए तो पहन लिए, क्योंकि बच्चे रहते हैं, फिर बच्चों को रेडी करो, खुद साड़ी पहनने में मतलब बहुत टाइम लग जाता है। फिर तो इसीलिए आज मन किया तो घर में पहन लिया। और अभी यार वही मुझसे बार बार पूछ रही थी कि मम्मा तुमने क्यों पहना है, और श्लोक भी मैंने वो वीडियो बना के रखा है, दिखाएंगे आप लोगों को। और बस मैंने ऐसे ही पहन लिया कि मतलब साड़ी पहनने के बाद डेली का वर्क करने में कितना मुश्किल होता है। अभी इनके रेडी गए हैं नहाने, नहा के आएंगे तो फिर देखेंगे, तो फिर वो क्या उनका रिएक्शन होगा, बोलेंगे कि क्या पहन के रखा है तुमने, घर में कहीं जाना है क्या। बट देखते हैं क्या बोलते हैं। मैंने आज नाश्ता बना दिया है। वैसे डेली तो नहाने के बाद ही नाश्ता बनाते हैं, बट आज मुझे पता था कि, सोचा था कि मैंने जब मैं साड़ी पहनूंगी फिर नाश्ता बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मैंने बना दिया है। और अभी किसी ने किया नहीं, इनके डैडी गए हैं नहाने, नहा कर आएंगे तो फिर सब लोग नाश्ता करेंगे, और उसके बाद देखते हैं डेली का वर्क मैं कैसे कर पाती हूँ साड़ी पहनकर और कैसी लग रही है। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट उसको संभालना थोड़ा सा घर में मुश्किल होता है, इसलिए नहीं पहनती हूँ। इनके डैडी अभी पूजा कर रहे हैं और अभी कहाँ जाना है, कहीं जाना नहीं है। नया क्यों पहने हैं? नया बस ऐसे ही मन किया तो पहन लिए। तो फिर काजल क्यों लगाई? काजल कभी लगाते नहीं वैसे ही लगा लिए हैं, वीडियो बनाना था इसलिए। मैं जाना है, कहाँ जाना? तुम यकीन नहीं हो रहा कहाँ जाना है? बताओ। इसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि मम्मा क्यों रेडी है। अरे बाबा ऐसे ही रेडी है, घर में बस मन किया साड़ी पहनने का तो मैंने पहन लिया। जींस, कहीं जाना नहीं है बाबू। जाना है, कौन जा रहा है? बाबू। और कौन जा रहा है? दो, अच्छा पहनाते तो तुम्हें भी रेडी कर देते हैं दो। इसको भी यही लग रहा है श्लोक को भी कि मम्मी रेडी है, तो लगता है कहीं जा रही है, तो बार बार कभी स्कूटी की चाबी उठा रहा है, कभी कपड़े लेकर देखे जींस लेकर आ गया कि मुझे पहनाओ, मतलब परेशान कर दिया है, लगता है मुझे निकालना ही पड़ जाएगा साड़ी। अभी पतिदेव पूजा करके आ गए हैं, चलते हैं उनके पास। हेलो टन टन, क्या मैंने साड़ी पहना है? साड़ी पहन लो तो लेडीज लगोगे। कोई आदमी साड़ी पहन के लेडीज लगेगा? माँ प्यार, आप हमको ऐसे ही बदनाम करते हैं। मर्द हमेशा मर्द होता है, चाहे वो साड़ी में हो चाहे वो जींस टी शर्ट पे, देखो फर्क पता चल रहा है। क्यों नहीं फर्क पता चल रहा है, हम लेडीज हैं और आप जेंट्स हैं। टीवी देख रहे हैं क्या? टीवी देखते रहते हैं जी, बच्चों के साथ कार्टून देखते रहते हैं। हाँ, और आप क्या बने हैं? बच्चे बने हैं, क्लिप लगा के बल। कुछ अलग नहीं लग रहा है साड़ी पहनने के बाद? लग रहा है। कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हो। जिंदगी एक मजाक ही होती है, मालूम है? मतलब हमको हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, हमेशा परेशान करते रहते हैं, और अपना रेडी होते हैं तो कहते हैं मेरे फोटो निकाल दो, मेरा वीडियो बना दो, मेरा ये कर दो वो कर दो, और जब हम रेडी होंगे तो फिर मुझे बस ताने ही मारते रहते हैं। चलो आज आप सब काम आप करेंगे, क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखा है, मेरे तो काम नहीं हो रहा है, सुबह से जाकर बच्चों को किसी तरह नाश्ता देने में प्रॉब्लम हुई है। ये रही गाड़ी की चाबी, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा और चला जाऊंगा। ऐसे कैसे चले जाएंगे?
मैं भी जाऊँ, देखो वो भी जाएगा, कह रहा है मैं भी जाऊंगा, चाबी दो, दूध पियो, खाना, देखो खाना खाने बैठा है, चाबी लेकर भाग रहा है। आ मम्मा का दाढ़ी निकाल रहा है, खींच रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है तो फिर मम्मा की साड़ी क्यों निकाल रहे हो तुम? कह रहा है मम्मा साड़ी निकाल। मेरे बाबू जा। अभी मैं ये बेडशीट चेंज करने जा रही थी, सब कुछ हटा दिया बट मेरे से हुआ नहीं, ऊपर चढ़कर सब करना पड़ता है। पिंकी आ गए, चलो उसको लगवाओ चढ़ के ऊपर। क्या बे? लगा तो लेते हो हमेशा तुम यार। तो लगा लेते, आज मेरी साड़ी में लगा है ना। इसको नहीं बिछाना है, पहले मैंने इसको इसलिए बिछा कर रखा था सब डेल्फ के ऊपर, किसलों की टॉयलेट वगैरह या फिर पानी कभी गिरा देता था, बट अभी 2-3 महीने से तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वो बड़ा हो गया है इसीलिए इसको हटा देंगे, बस ओनली बेडशीट लगाएंगे। हमेशा तो मैं लगा लेती हूँ, अकेले ही लगाते हैं बेडशीट चेंज करते हैं, बट जब कभी ये रहते हैं तो फिर मैं बोल देती हूँ हेल्प करने के लिए, और अगर बेड आपका बीच में है रूम के तो फिर लगाने में आसानी होती है, आराम से लग जाता है, बट अगर बीच में नहीं है, अगर ऐसे किनारे बेड रखा हुआ है तो फिर थोड़ा सा डल्लफ पर बेडशीट लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से अंदर टक करना पड़ता है। कौन कमबख्त बोलता है कि बीवियां काम नहीं करती? आप बस उनका दिमाग खराब करके तो देखिए, साला पूरा घर साफ हो जाता है वो ये आधे घंटे के अंदर। ये देखिए, जिसकी बीवियां काम ना करें, बस सुबह सुबह आप लड़ाई कर ले उनसे, उसके बाद काम पहाड़ उखाड़ के फेंक देंगे। बस आपका भी सफाई होने वाला है, घर का तो हो गया, बस आपके का दिमाग का सफाई बचा ही है। देखिए पूरे घर की सफाई मजेदार तरीके से। आज आपने बुक पढ़ा ना? अब अगली बार जब मेरे को घर घर की सीलिंग साफ करानी होगी तो उस दिन सुबह सुबह लड़ाई होगी, फिर उस दिन गुस्से में निकलेगा झाड़ू। और नहीं करेंगे, सारा जितना है आप करोगे, बस हम जितना करना था 1 घंटे से कर चुके हैं, बैठ के करो, खूब कैमरा हटाओ यहाँ से, लेकर पूरा साफ करो, जो जहाँ का सामान है वही रखो, जो फैलाया है वही रखेगा। हम क्यों फैलाएं? हम रहो ऐसे ही रहेगा, रहो ऐसे ही घर में, ऐसे ही सो जाएंगे, बिस्तर तो कपड़े रखे हैं सारे, ऐसे फैला करके सो जाएंगे, इसको बिस्तर बना के सो जाओ, उसी लायक हो ही। देखिए आप इसका मुंह देखिए, आप तेरा मुंह दिखाइए अपना, कितना बड़ा मुंह फूला हुआ है आपका। तो उसकी जिम्मेदार तो आप हैं, और वो बताओ क्यों करते हो ऐसा? है? क्यों करते हो ये सब? मैं क्या किया है? क्यों चिल्लाते हो? What can I do? मेरी अंग्रेजी कमजोर है। ये देखिए, ये दो बच्चे हैं यहाँ पे लड़ाई करते हुए। आपकी अंग्रेजी नहीं, आपका दिमाग भी कमजोर है। मेरा दिमाग फेल है, चलिए कोई बात नहीं, मेरा दिमाग फेल है, लेकिन आप आज पूरे घर को आपने क्लीन करके दिल मेरा गार्डन कर दिया, इसके लिए आपको एक तोहफा दिया जाएगा जो कि आपको मिलेगा शाम को। आई लव यू। काम कराने का बहुत ही उचित तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो जब भी आपको साफ सफाई करानी हो, ये देखिए इन दोनों को, क्यों लड़ाई हो रही है भाई? खोलो, बाबा आ गए बाबू का फोटो लेकर। ये देखना नहीं है इसको, क्यों? जिस दिन नहीं हम देखेंगे, कवर देखे ये समोसा को दो, समोसा वमोसा हम नहीं खाएंगे, हम फोटो देखेंगे, इसीलिए लाया हूँ ताकि इसको आप लोग भूल जाएं। अच्छा बस एक फोटो दिखा दीजिए नीचे से उठाकर, एक आठ फिर
देखिए एक थे बस दिखाइए, चाहिए एक भी नहीं, एक तो प्लीज प्लीज सरप्राइज। बंद करो बेटा गेट दरवाजा। तो ये जो फोटो आया है ये श्लोक का, उसके लिए बर्थडे गिफ्ट है। वैसे बर्थडे गिफ्ट खिलौने वगैरह तो उसको देंगे ही, हम लोग वो देते ही हैं, बट स्पेशली फोटो जरूरी है, बनता है आरोही से ही सिस्टम है, उनके डैडी बनवाते रहते हैं हर साल का, उसका फोटो बना है 0 साल से लेकर। तो अभी श्लोक का भी हम लोग सोच रहे हैं, इसका जब आरोही का बना है तो इसका क्यों ना बने, तो इसका भी वही बन रहा है, तो बनकर आया है मतलब। तो अब इसके बर्थडे वाले दिन आप लोगों को दिखाएंगे। मैंने तो देख लिया, वो दिखाई नहीं रहते जबरदस्ती, फिर मैंने देख लिया और अब आप लोगों को हम दिखाएंगे बर्थडे वाले दिन। 2 दिन बाद उसका बर्थडे है। और हाँ, सुबह मैंने साड़ी पहना था कि साड़ी पहनकर आज का ब्लॉग बनाऊंगी, बट मेरे से संभला भी नहीं, बहुत परेशानी भी हो रहा था, श्लोक को बार बार बाथरूम ले जाओ, टॉयलेट कराने, ये वो, मतलब मैं परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने साड़ी खोल दिया और पति देव भी चिल्ला रहे थे, साड़ी पहनकर घूम रही है, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। आपको क्या प्रॉब्लम होती है जी साड़ी पहनते हैं तो? हम बुड्ढे लगते हो, बुड्ढे देखो कहते हैं कि बुड्ढी जैसा साड़ी पहनकर घर में घूमती रहती है, बताइए। हम मुझे जबकि साड़ी पहनना अच्छा लगता है, बाहर भी कहीं जाते हैं तो अच्छा लगता है, बट वो जल्दी पहन नहीं देते हैं, कहते हैं एक तो तुम बहुत टाइम लगाओगी, पहले साड़ी पहनोगी आधे घंटे, फिर उसके मैचिंग का चूड़ी पहनोगी, ये करोगी वो करोगी, चुपचाप सूट पहनो और चलो। तो फिर क्या कर सकते हैं।